इस सूजी केक को बनाने के लिए हमने 1 कप ये सूजी लिया है और इसी कप से हम शक्कर लेंगे। तो ये हमने चीनी लिया है, 1 कप दूध लिया है, 2 से 3 चम्मच ये देसी घी लिया है। आप इसकी जगह ऑयल भी यूज कर सकते हो, रिफाइंड ऑयल या बटर। थोड़े से किशमिश लिया है और ये थोड़ा सा चौका ही लिया है। तो इसको हम डायरेक्ट मिक्सर में ही डाल के बनाएंगे, क्योंकि सूजी हमारी थोड़ा मोटी है तो इसको पहले हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको हम सूजी को पीस लेते हैं। तो सूजी को हमने ग्राइंड कर लिया है। ये हमारी सूजी बिल्कुल इस प्रकार की हो गई है, महीन हो गई। तो इसमें अब हम डायरेक्ट इसी कप से चीनी डालेंगे। तो ये आधे कप से ज़्यादा हम चीनी लेंगे। जिस कप से हमने वो सूजी लिया है उसी कप से हमने चीनी लिया है। तो चीनी हमने 3/4 कप, मतलब थोड़ी कम लिया है, क्योंकि केक थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। और इसी में हम ये दही डाल देंगे। दही बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो 1 कप हमने दही भी लिया है, 1 कटोरी छोटी, और थोड़ा सा दूध। अब इसको हम दूध बाद में यूज करेंगे, थोड़ा सा हमने मिक्स कर लिया है। अब इसी में ये हम जो घी है ये भी डाल देंगे, और ये जो कोको पाउडर है इसको भी थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए वैसे ये ना हो तो भी ये केक बहुत अच्छा बनता है। और इसको भी हम डाल देंगे, इसको एक बार और चला लेते हैं। तो इसको हमने सब एक में ही डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। तो इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसका बैटर हमें बहुत ज़्यादा ना पतला बनाना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे, क्योंकि सूजी है ना थोड़ा बहुत फूलना है तो फूल जाएगी। तो 10 मिनट बाद हम बैटर को देख लेते हैं। तो ये हमारा बैटर सही बना है। इसमें हम थोड़ा मतलब 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे और मिक्स कर देंगे, और 1 चम्मच जो है छोटी चम्मच ऐसे लेवल तक भर के बेकिंग पाउडर डालेंगे, या इनो डाल लें जो कुछ है वो घर मतलब डाल लें। तो हम हमारे पास बेकिंग पाउडर है तो हम वही यूज कर रहे हैं, सेम मतलब रिजल्ट आएगा दोनों चीज़ों में। और इसी पे हम थोड़ा सा 1 चम्मच दूध और यूज करेंगे। और इसको एक ही डायरेक्शन में मिला देंगे अच्छे से। तो ये हमारा सूजी जो है फूल जाएगा, ये अच्छे से मिलाएंगे। और इधर कुकर हमने प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो ये हमारा गर्म हो गया, और ये केक का जो बर्तन है हमने इसको ग्रीस करके तैयार कर लिया है। तो इसमें हमने घी लगा दिया है, अगर मैदा है तो मैदा भी ऊपर से डस्ट कर दीजिए। और ऐसे भी केक बड़े आराम से बन जाता है। तो हम बिल्कुल इजी तरीका दिखा रहे हैं, अगर मैदा भी नहीं, बटर पेपर भी नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट ही भी डाल सकते हैं। तो इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। बैटर हमें इसी तरीके के चाहिए।
कि ये बिल्कुल इस तरीके से, ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। और इसको हम टाइप कर देंगे और ये हमारा बिल्कुल तैयार है। तो आराम से रख देंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है, और ढक्कन लगा देंगे। और इसको 20 मिनट के लिए, 15-20 मिनट के बाद खोल के एक बार चेक, तो 20 मिनट बाद हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो हम एक नाइफ की मदद से देखते हैं, अगर पक गया है तो ये बिल्कुल हमारा चाकू क्लीन आया है। तो केक हमारा पक गया है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसका केक को हमने ठंडा करके डिमोल्ड कर लिया है, हम आइसिंग करेंगे। ये हमारे पास ब्लैक चॉकलेट, तो इसको हमने जो है बनाया है, और ये वाइट चॉकलेट थोड़ी सी है, तो इसी से हम इसके, तो केक की हमारी आइसिंग हो गई। इसको हमने बहुत सिंपल तरीके से आइसिंग करी है, केवल चॉकलेट सिरप मतलब उससे, और ये जो वाइट चॉकलेट से। तो इस तरीके से अगर हमारा केक बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।